खबरनामे का आगाज करेंगे और आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली को बहाल कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंजाल की सरबराही में पांच रुकनी बेंच ने तारीखी फैसला सुनाते हुए डिप्टी स्पीकर की रोलिंग को कलदम करार दे दिया है। अदालत ने तहरीक आदम एतमाद की कार्रवाई बहाल करते हुए स्पीकर कौमी असेंबली को ईवान का इजलास 9 अप्रैल को तलब करने का हुक्म दिया है। अदालत ने मुख्तसर फैसले में कहा है कि स्पीकर एहसन अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां अदा करे और तहरीक आदम एतमाद पर राय शुमारी तक इजलास मुलतवी न किया जाए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज एक इंतहाई अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम खान सूरी की जानिब से दी गई रूलिंग को कलअदम करार दे दिया गया है। अदालत ने तहरीक आदम एतमाद की कार्रवाई बहाल करते हुए स्पीकर कौमी असेंबली को ऐवान का इजलास 9 अप्रैल को तलब करने का हुक्म दे दिया है। हमारे नुमाइंदे एजाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है।